हेलो गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एट डिफेंस एम्पायर। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एमिनेशन यूज इन टैंक्स। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हम लोग आपको डिफेंस से रिलेटेड सारी एक्सक्लूसिव जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक वॉर में, एक बैटल में, एक सोल्जर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका हथियार। जितना बेहतरीन उसका हथियार होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। एक बेहतरीन हथियार वो हथियार होता है जिसके पास हाई रेट ऑफ फायर हो और हाई एक्यूरेसी लेवल हो। पर ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है, मेन चीज़ होती है एम्यूनेशन। क्या उस बंदूक से निकली हुई गोली दुश्मन के आर्मर को भेद पाती है या नहीं। और इसी वजह से दुनिया भर में तरह तरह के एम्यूनेशन का आविष्कार किया गया है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट सिचुएशन। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्यूनेशन जो कि टैंक में इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोग इसको पांच कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो पांच कैटेगरीज हैं APCR, HESH, HE एंड हीट शेल्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं AP एंड APCR शेल्स की। AP स्टैंड्स फॉर आर्मर्ड पियर्सिंग, वहीं APCR का मतलब होता है आर्मर्ड पियर्सिंग कॉम्पोजिट रिजिड शेल। इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि इन दोनों राउंड्स का अल्टीमेट एम होता है दुश्मन के आर्मर को पेनिट्रेट करना। इन दोनों राउंड की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी इनकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इनकी वेलोसिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा इनकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी होगी। बचपन में हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv2। यहाँ पर m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। AP शेल की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये शेल एक एरो शेप में होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिससे आप लोगों को इस राउंड की ताकत का अनुमान हो सके। इस वीडियो में 10 स्टील की प्लेट्स को एक के पीछे एक रखा गया है और एक टैंक की मदद से AP शेल को फायर किया जाता है। इस वीडियो को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि एक AP शेल कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और इसके पास कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण ये आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर सकता है। AP शेल और APCR शेल की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतनी ही कम इनकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी हो जाएगी। अब दिमाग में हमारे एक क्वेश्चन आता है कि AP और APCR शेल में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस APCR और AP शेल में ये होता है कि APCR शेल वज़न में थोड़ा हल्का होता है, पर इसका पेनिट्रेशन कोर, जिसका मतलब है कि आगे का हिस्सा, ये उतना ही डेंस होता है जितना एक AP शेल का होता है। इसके हल्के वेट के कारण इसकी वेलोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बात करें इसकी डिसएडवांटेज की तो APCR शेल डिस्टेंस के साथ ज़्यादा एनर्जी लूज करता है AP शेल के मुकाबले। और एडवांटेज तो मैं बता ही चुका हूँ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो जब भी कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे सामने से निकल रहा होता है तो हम लोग प्रेफर करेंगे कि APCR राउंड का इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारा एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाए। अब हम लोग बात करते हैं HE एंड HESH राउंड्स पर। HE स्टैंड्स फॉर हाई एक्सप्लोजिव, वहीं HESH को कहते हैं हाई एक्सप्लोजिव स्क्वाश हेड। ये राउंड अपने अंदर हाई एक्सप्लोजिव कंटेन करते हैं और इनकी खास बात यह है कि ये डिस्टेंस के साथ अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। पर यह बात भी सच है कि इनकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी AP एंड APCR के मुकाबले बहुत कम होती है। इस राउंड का बेसिक एम होता है स्प्लैश डैमेज देना। ये राउंड जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं, देन ये तुरंत वहीं पर डेटोनेट हो जाते हैं। इस टाइप के राउंड का इस्तेमाल किया जाता है हल्के आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये राउंड स्प्लैश डैमेज देते हैं, जिसका मतलब है कि डेटोनेशन के बाद ये स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बिखर जाते हैं और ये फ्रैगमेंट्स गोली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से चारों दिशाओं में फैलते हैं और आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको तबाह कर देते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच सकते हैं कि कोई एक इन्फेंट्री यूनिट किसी टैंक के पीछे कवर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तब उस कंडीशन में HE राउंड्स के फ्रैगमेंट्स चारों दिशाओं में फैलेंगे और आसपास के जितने भी सोल्जर्स हैं उनको घायल कर देगी। APCR और AP राउंड्स के मुकाबले HE और HESH राउंड सस्ते होते हैं, पर इनका डिसएडवांटेज यही है कि ये बड़े आर्मर्ड व्हीकल को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है कि HE और HESH राउंड में डिफरेंस क्या है। बेसिकली HESH राउंड की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी HE राउंड के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। HE और HESH राउंड बहुत ही प्यारा एग्जांपल है बताने के लिए कि एक तीर से कैसे कई सारे निशाने मार गिराए जा सकते हैं। पर हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन राउंड का इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एनिमी के वीक पॉइंट्स पर अटैक नहीं कर पाते हैं तब शायद आप शिकारी से शिकार बन जाएं। अभी तक हम लोगों ने चार टाइप के एम्यूनेशन को डिस्कस कर लिया है और अब आता है लास्ट टाइप ऑफ एम्यूनेशन, HEAT शेल। हीट राउंड स्टैंड्स फॉर हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक राउंड। इस राउंड की भी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी टारगेट की रेंज पर नहीं डिपेंड करती है। अभी तक जितने भी राउंड्स मैंने डिस्कस किए हैं उनमें हीट राउंड सबसे स्लोवेस्ट राउंड होता है। इस राउंड में एक इन्वर्टेड कोन शेप्ड वोलेटाइल चार्ज मौजूद होता है और जब ये राउंड किसी टारगेट को स्ट्राइक करता है तो इसके अंदर से एक कॉन्सेंट्रेटेड मोल्टेन हाइपरसोनिक जेट बाहर निकलता है। ये मोल्टेन जेट इतना गर्म होता है कि ये टैंक के आर्मर को आसानी से पिघला देता है और टैंक के अंदर मौजूद चीज़ों को भी जला देता है। तो ये था हमारा एनालिसिस। पर वीडियो को एंड करने से पहले क्विज ऑफ द डे, क्या आप बता सकते हैं कि इंडियन आर्मी के द्वारा कौन कौन से टैंक ऑपरेट किए जाते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक डिस्कस की हैं ये उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है। तो अब हम लोग आपसे लेते हैं विदा, हम लोग फिर से हाजिर होंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।